आप जी ने श्रवण किए, प्रथम बीबी जसमीत कौर जी जो के आप जी माता सुंदरी कॉलेज विच प्रोफेसर भी हैं, बहुत सोहने ढंग नाल आप जी ने शब्द श्रवण कराया। सगल संतन पै वस्त एक मांगो, ते उस तो बाद बीबी हरप्रीत कौर जी ने बहुत मिठी आवाज विच करूं बेनंती सुनो मेरे मीता, मैं अर्ज करां कि परमात्मा जर्रे जर्रे विच मौजूद है, पर उस परमात्मा नू गाउन वाले गा गा के जिन्होंने मंजिले मकसूद हासिल कर ली वो बहुत थोड़े बहुत थोड़े। ऐसे गुरमुखां दे चरणा दे खाक चरणा दी धूर नसीब हो जावे। कबीर साहब महाराज कहंदे ने कि ये गल असी मनदे हाँ कि मुक्ति दा दाता परमात्मा है। तमाम दातावां उस करते दे हथ विच हन, करते दे कोल ने। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस दे। पर उस करते दे हथ तक किवें पहुँच सकी, कोई उगती कोई जुगती कौन दसे। तो करते दे हथ तक पहुँचना कबीर साहब कहंदे ने फिर लोड़ पैंदी है, गुरमुख दी लोड़ पैंदी है संत दी। तो अब जी दी रसना चो बोल निकले, कबीर सेवा को दोहूं भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त का संत जपावे ना। मुक्ति करते दे हथ विच है, पर करते दे हाथ तक पहुँच जाइए उहदे वास्ते संत चाहीदा है, गुरमुख चाहीदा है, जिन्हां ने साधना कर करके उस नूं पा लिया। ते बहुत वड्डा उपराला गुरमुख प्यारे अमरजीत सिंह जी ते आप जी दा संगतां दा सहयोग। गुरु के चरणों विच ये अरदास करनी है, जिवें साहिब कहिंदे ने करों बेनंती सुन मेरे मीता। हे मेरे मित्रों, मैं कुछ कहना चाहना, मैं कुछ बेनती करना चाहना, पर ध्यान दे के सुनना। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कह रहे हैं कि कहना चाहते हैं कि जिहड़ा मनुखी शरीर परिपूर्ण परमात्मा ने सानू बख्शिया है, ते इस शरीर दा जिहड़ा मनोरथ है, साहिब कहंदे ने संत टहल की बेला। जिहड़ा अज वक्त है, मौका है, समा है, कहंदे ने संत दी टहल गुरु दी टहल करन दा है, क्योंकि शरीर इसे करके प्राप्त होया। जिवें जिवें मनुख साधना करदा है, ते गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहंदे ने इहा खाट चलो हर लाहा आ गए बसन सवेल। एक गल मननी पाएगी कि मनुख ने धन तो खट लिया, पर जीवन दे विच धर्म नहीं खटिया। जीवन दे विच पदार्थ तो कट्ठे हो गए, पर जीवन दे विच परमात्मा दे नाल मोहब्बत नहीं हुई, नहीं हुई। पर जिन्होंने प्रभु की इबादत की है, साहब कहते ने आ गए बसन सुहेल। अगे तो मुराद है कि जदों मनुख का जीवन सफर खत्म होगा, दो ही गल्लां होणगियां।
जां तां मुड़ के फिर संसार विच आ जाना है जां फिर सीधा निरंकार दे कोल पहुंच जाना है। ये दो ही सफर ने, जां संसार दा सफर जां निरंकार दा सफर। जिहड़ा मनुख संसार दा सफर करदा है वह कहिंदा है मैं ही हाँ, मैं ही होवां, ये सब कुछ मेरे कोल होवे, सब कुछ मेरे कोल। और जिहड़ा सफर निरंकारी सफर है वह कहिंदा हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हाँ, बस जो कुछ है सो तू है, मैं कुछ नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं। संसारी दा मैं बहुत वड्डा है ते निरंकारी मनुख दा तू बहुत वड्डा है। तू भाव वो हर एक गल ते मोहर लगांदा है तू दी, जितना कुछ भी होया ये तेरी बदौलत, ये तेरी रहमत नाल होया, ये तेरी कृपा नाल होया। तो जिहड़ा मनुख तू तू दी इबादत करदा है उहदे विचों हंकार निदारद हो जांदा है। और जिहड़ा मनुख उठदियां बैठदियां मैं दी बोली बोलदा है कहिंदे ने उहदे जीवन दे विच्चों फिर तूं नदारद है, प्रभु नदारद है। मैं दी बोली बोल रहा है कहिंदे ने करते दे नाल उहदा मिलन नहीं होया ते सारा समां खत्म हो गया। धन गुरु अर्जन देव साहिब दे बोल ने अवध घटै दिन सिरै नारै। मनुख की जिहड़ी उम्र है रोज़ घटती जा रही है, रोज़। मैं अर्ज करा जितनी उम्र कल सी वो अज नहीं है, जितनी उम्र अज है वो कल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे सांस खत्म हो गए कर चार। इत्थे मैं अर्ज करा बहुत ही महान कवि भगत तुलसीदास आप जी कहते ने हे प्राणी तेरे कोल जड़े ये श्वास ने ये इतने कीमती ने, इतने कीमती ने कि मौल चतुर दस भवन कौ एक श्वास है तो है। भगत तुलसीदास एक साह की जड़ी कीमत है वो कितनी है कहिंदे ने एक तरफ 14 लोग एक तरफ होण, 14 लोग की दौलत एक तरफ होवे, एक साह एक तरफ होवे। कोई भी मनुख इस दौलत दे नाल एक साह भी खरीद नहीं सकता, एक साह। तो भगत तुलसीदास जी कहते ने मौल चतुर दस भवन कौ एक सांस है तो हे, ऐसे धन रघुनाथ कौ तुलसी बिरथा ना खोए। हे तुलसी तो क्यों इस नु बिरथा बर्बाद करी जा रहा है, एक एक सांस कीमती तेरा, एक एक सांस। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते ने औध घटै दिनस रह नारे, सुबह होती है शाम होती है बस उम्र यू ही तमाम होती है, खत्म होती जा रही, खत्म होती जा। सियाणे पुरशों का कहना है कि एक साह खर्च होया उहदे बदले खरीदिया की है तू, क्योंकि जे असी दया भी करते हाँ सा साडा खर्च हो रहा है, दान भी करते हाँ सा खर्च हो रहा है, और मैं अर्ज करा जे क्रोध भी करते हाँ हंकार के गीत भी गाने ता भी साडा सा खर्च हो रहा है। एक साह जिहड़ा खर्च किया है उहदे बदले कट्ठा की किया दया धर्म निम्रता तो जीवन मुबारक है, और जे साह खर्च किया फिर वो हंकार के गीत गाते रहे क्रोध करते रहे तो साहब कहते ने फिर तेरे सारे दे सारे साह बेअर्थ हो गए ने, बेअर्थ। औध घटै दिनस रह नारे, मन गुरमिल काज संवारे। ए मन तू गुरु दे नाल मिल ते अपना कार्ज संवार ले, रूहे जमी ते आउण दा मनोरथ की है बस इस नूं तू सवार ले। गुरु मनुख नूं जुगती सिखाउंदा है। एक छोटी जी गाथा आप जी दे सामने रखा। जदों किसी दरवेश ने
साधक नूं साधना दे जितने भी तौर तरीके सन वो सिखा दिते। ते हुण ये साधक कहिंदा है मैं भेंट की दवां आप जी नूं, तो संत पुरश कहिंदा है तू की दे सकदा है पहला ये दस। साधक कहिंदा है मेरे कोल धन बहुत है, मेरे कोल दुनिया के पदार्थ बहुत ने, बहुत ने। एक वार आप जी अपनी रसना चो बचन उच्चारण करो, मैं उही वस्तु आप जी के चरणों में भेंट कर दिया, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ की घाट नहीं है। ध्यान दे नाल सुनना, जे एक बोल भी आप जी के हिरदे विच वस गया कथा सुननी कबूल हो जाएगी, जे ये महान गुरपुरब मनावना सफल हो जाएगा। संत पुरश कहता है कि जेकर फिर मैं ही मंगा तो वह तू देने लिए तैयार है, तो फिर एक कम कर, जो कुछ भी तेरे को व्यर्थ है वह मेरे सामने रख दे। जो कुछ भी तेरे को व्यर्थ है बेअर्थ जिदे कोई अर्थ ना हो मेरे को रख दे, मेरे सामने रख दे। साधक की करता है हुण बेअर्थ गुरु के चरणों में भेंट करा, बेअर्थ है कि जिदे कोई अर्थ ना हो, जिदी कोई कीमत ना हो, जिहड़ी सब तो तुच्छ हो, जिहड़ी सब तो बेकार हो। इस साधक ने मिट्टी दी मुट्ठी भरी है, क्योंकि ये मिट्टी है, खाक है, कुछ भी नहीं, बेअर्थ है। क्यों ना ये मिट्टी गुरु दे चरणों में भेंट करा। कहिंदे ने उस मिट्टी दे विच्चों आवाज आउंदी है, हे पुरखा तू मैनू तुच्छ समझिया, मैनू तू व्यर्थ समझिया, जदों के सब कुछ उत्पन्न होंदा है मेरे गर्भ चो। मिट्टी कहती है क्योंकि तमाम खनिज प्राप्त होए मिट्टी तो, धरती तो, पानी की प्राप्ति हुई है धरती तो, जितना अन्न पैदा होया धरती तो, जितना कुछ भी भोजन है धरती तो मिट्टी कहती है कि तू मैनू तुच्छ समझिया, कितनी वड्डी तेरी ये कमजोरी है। कहिंदे ने उस साधक दे हथ चो मिट्टी निकल जाती है। मन विच ख्याल आउंदा है हुण मैं की दवां, क्योंकि जिहड़ी सब तो बेअर्थ होवे व्यर्थ होवे वो है कि सामने देखदा एक पत्थर पे आए, तो साधक दा मन कहिंदा है क्यों ना ये पत्थर ही गुरु नूं भेंट कर देवां, क्योंकि तां बिल्कुल बेअर्थ है। पत्थर जदों उठांदा है पत्थर दे विच्चों आवाज आउंदी है। की आवाज आउंदी है? हे पुरखा तू मैनू व्यर्थ समझ लिया एक पत्थर नूं, पर ये गल तू भुल गया कि तमाम इमारतां पत्थर नाल बनिया हुई ने, तमाम धार्मिक स्थान पत्थर नाल बने हुए ने, तमाम किले पत्थर नाल बने हुए ने, तो जो इतना कुछ पत्थर करके ही होया तो मैनू तू बेअर्थ क्यों कह रहा है? पत्थर भी सुट देंदा। हुण सोचदियां सोचदियां जा रहा है मैं की भेंट करा अपने गुरु नूं, सामने देखदा कि कोई संत पुरश आ रहा। संत पुरश दे अगे जा के मत्था टेकदा है तो संत पुरश कहिंदा है अज तेरे चेहरे ते चिंता क्यों है? तो ये साधक कहिंदा है कि मैं अपने गुरु नूं भेंट देनी है, पर गुरु ने भेंट की मंगी है कि जो सब तो बेअर्थ होवे वह भेंट। पहला मैं सोचिया मिट्टी लैके जावां, पर मिट्टी भी बोल पई मैं बेअर्थ नहीं हाँ। फिर पत्थर नूं उठाया, पत्थर बोल पिया मैं भी बेअर्थ नहीं हाँ। हुण मैं सोचदा की लैके जावां। संत पुरश हंस पिया और कहने लगे पहला तो तू ये समझ व्यर्थ है कि किसनों कहिंदे ने व्यर्थ।
व्यर्थ उसनों कहिंदे ने जिहदे विच कोई अर्थ ना होवे, जिहदी कोई कीमत ना होवे, जिहदे होण करके किसे दा कुछ समरदा ना होवे, उसनों कहिंदे ने व्यर्थ। ते संत पुरश कहिंदा है, पुरखा जीवन दे विच एक हंकार ही बेअर्थ है, बाकी सब कुछ अर्थ है, सब कुछ अर्थ है। जे गुरु नूं देना ही है तो बस ये हंकार अपना दे दे, क्योंकि ये बेअर्थ है। हुण ये साधक वापस गुरु दे कोल आंदा है, मत्था टेकदा है, लम्मे पै के डंडौत करदा है। गुरु कहिंदा है, पुरखा की होया? कहण लगे, महाराज कुछ भी नहीं। केड़ी भेंट लेके आए हैं? ते ओ साधक लम्मा पिया होया है पर बोल नहीं रहा। एक दफा, दो दफा, तीन दफा जदों पुछिया, अखीरी विच गुरु ने कह दिता, लगदा है कोई संत पुरुष तैनू मिल गया जिन्हां ने तैनू जीवन की जान सिखा दिती। कोई संत पुरुष मिल गया? हाँ महाराज, संत पुरुष मिल पिया। और उसे संत पुरुष ने कहा है, जे गुरु के चरणों में कुछ रखना है, अपना हंकार रख दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए गुरु, कुछ नहीं। मैं अर्ध करा गुस्ता की माफ। जदों बीज न धरती मिलती है, बीज गलदा है, बीज की परत टुटती है, तो बीज अंकुरित होता है। नहीं तो उस बीज नूं आप जी दीवार ते रख दो, सारी जिंदगी अंकुरित नहीं होवेगा, सुक जावेगा, पर बीज अंकुरित नहीं होवेगा। क्योंकि बीज नूं धरती चाहिए है, वो धरती बीज नूं गलदी है, उहदे विचों फिर अंकुर पैदा होंदा है, फिर फुल भी लगते ने, फिर फल भी लगते ने, फिर छाया भी होंदी है। बीज मनुख दा जिहड़ा शरीर है, यह भी एक बीज है। बीज हुण इस शरीर रूपी बीज नूं धरती चाहिए है, वह धरती कहड़ी है? कहिंदे ने इस शरीर रूपी बीज नूं धरती चाहिए है, वह धरती है सतसंगत दी, जिथे आप जी बैठ के गुरु का कीर्तन सुनिया, जिथे बैठ के आप जी गुरु की कथा सुनते, ये धरती है सतसंगत। जिवें जिवें संगत विच बैठते गए, सुनते गए, हंकार नूं इत्थे मिटाना लाजमी है, लाजमी। क्योंकि कई दफा सिख पंथ के महान विचारक संत सिंह जी मशकीन कहंदे सी, जिथे जोड़े उतारदे हो कृपा करिया करो हंकार भी उत्थे उतार दिया करो। मैं धनी हाँ, मैं गुणी हाँ, मैं विद्वान हाँ, मेरे को बहुत वड्डा रुतबा है, मेरी जाति बहुत उच्ची है। कहिंदे ने सब कुछ हंकार एक पासे रख देना गलतां बने। बाकायदा धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शब्द जिथे एक सवाल किया साधक ने, सवाल यह किया कि साधना बहुत कीती, बहुत कीती, गल नहीं बनी। भगती बहुत कीती है, साधना बहुत कीती है, गल नहीं बनी। कारण की है? तो धन गुरु ग्रंथ साहिब के पावन बोल ही जवाब दे रहे हैं। गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी आप करती पई। कहन लगे, हे पुरखा, साधना तो कीती, गल नहीं बनी, पर एक गल तो भुल गया। पारस दे नाल जदों तक लोहा छुवेगा नहीं, वो लोहा कदे सोना नहीं होवेगा। भावें कुल पे आवे पारस, जदों तक उन्हों छू नहीं लैंदा, उदों तक सोना नहीं बनता। मनुख गुरु दे कोल बैठा होया है, पर जदों तक गुरु ते मनुख साधक दे विचकार खाई है, कहिंदे ने उदों तक गल नहीं बनेगी। और खाई है, मैं बड़ कवि कुलीन सूर हमदाते, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने इस बुद्धि का कदे नाश नहीं होया, इसे करके गुरु नाल मिलन नहीं हो पाया। हर एक पंक्ति दे नाल बोलदा रहा, मैं कीता है, मैं कीता है, उहदा मैं बहुत वड्डा है। कहिंदे ने जिवें जिवें उहदा मैं वड्डा होंदा गया, तिवें तिवें उहदे जीवन विच परमात्मा निदारत होंदा गया, काली दा काली। तो मैं अर्ज कर रहा सी,
औद घटे दिनस रहनारे मन गुर मिल काज संवारे। तो गुरु नु मिल तो जो जीवन का मनोरथ है वो संवार ले, ओनू रास कर ले। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो कि धन गुरु गोविंद सिंह महाराज नु कहंदे ने, महाराज कितने ही जन्मों दे विच इस सूरज नु देखिया है, कितने ही जन्म लए ने, हर एक जन्म दे विच ये सूरज देखिया, हर जन्म दे विच ये चंद्रमा देखिया, पर किसी भी सूरज ने मेरे जीवन दे विच प्रकाश नहीं किया, नहीं किया। तो कितने ही जन्मों तक अंधकार ही देखता रहा, अंधकार देखता रहा कितने ही जन्मों तक। अज पहली दफा जीवन दे विच एक किरण नसीब होई है आप जी दे प्रकाश दे नाल, आप जी दे आगमन दे नाल। तो ध्यान देना भाई साहब भाई नंद लाल जी की कहंदे ने, कहंदे ने इस रूहे जमीन ते जिथे भुख मनुख नू लगदी है उत्थे भुख पशु नू भी लगदी। आप जी नू खबर है पशु नू भी चारा चाहिदा है, मनुख नू भी भोजन चाहिदा है। इस रूहे जमीन ते जिथे विश्राम पशु नू चाहिदा है विश्राम मनुख भी करता है, मेहनत मशक्कत मनुख भी करता है, मेहनत मशक्कत पशु भी करते हैं। और फिर जेकर संतान उत्पत्ति की गल करिए पशु जगत विच भी बच्चे पैदा होते हैं, मनुखी जीवन दे विच भी बच्चे पैदा होते हैं, पर दोवां विच फर्क की है। भोजन उसनू भी चाहिए है, भोजन इसनू भी चाहिए है, आराम उसनू भी चाहिए है, आराम मनुख नू भी चाहिए है, मेहनत पशु भी करता है, मेहनत मनुख भी करता है, दोवां दे विच फर्क की है। की फर्क कहंदे ने बुनियादी भेद इको ही है, इको ही है। और वो है पशु दे कोल परमात्मा की भगती नहीं है, मनुख दे कोल परमात्मा की भगती है। मनुख संगत कर सकता है, पशु संगत नहीं कर सकता। मनुख की झोली विच ये सौगात पाई है कि मनुख खुश हो सकता है, हंस सकता है, पर पशु दे जीवन विच ये सौगात नहीं है कि उहदे जीवन विच हंसी भी होवे, ये सौगात मनुख की झोली विच पाई है। पर जे किधरे मनुख दे कोल भगती ना होवे फिर की है? तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बोल ने जे जीवन विच भगती नहीं है तो फिर करतूत पशु की मानस जावत लोक पचारा करें दिन रात, दिन रात। तो मुक्तसर में अर्थ करा औद घटे दिन सरै नारे, उम्र घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। अखीर विच की होंदा है जब मनुख दे कोल खबर पहुंचती है कि फलाना मनुख पूरा हो गया। कद पूरा होया? कहंदे ने बस अद्धा घंटा होया है। पर मनुख ये गल भुल जाता है कि जिस दिन उहदा जन्म होया सी पूरे होने की प्रक्रिया उदों तो ही शुरू हो गई सी जिस दिन जन्म होया सी। जननी जानत सुत बड़ो होत है, पुत्र मेरा वड्डा हो रहा है, वड्डा हो रहा है, पर उसनों इस गल की समझ नहीं है कि जिस दिन जन्म होया सी ते बस पूरे होने की प्रक्रिया भी उदों ही शुरू हो गई सी। थोड़ी 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 कदे कुछ श्वास खत्म होए, कदे कुछ श्वास खत्म होए, और देखदियाँ देखदियाँ एक पड़ाव ऐसा होंदा है कि सारे श्वास मुक जाते हैं। उसनों कहंदे ने हुण पूरा होया। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहंदे ने कि अज ये समा है जिसे जगाए पियावे अह रस अखत कथा तिन जानी। किसी नू जगा के फिर ये अमृत रस उदी झोली विच पाना, पर पहला जगाउण दी लोड़ है। मैनू एक किसी विचारक दी गल चेते आई, पछम दा विचारक, वो कहंदा है कि जदों एक किताब एक पुस्तक मैं लिखी तो उहदी चर्चा राजे तक पहुँच गई,
इतनी कमाल दी रचना, इतनी कमाल दी खोज। बादशाह ने कह दिता कि जितनी भी दौलत तेन चाहिए है मैं देने लई तैयार हूँ, पर यह किताब मैनू समर्पित करनी है। इहदे च लिखना पएगा कि यह किताब, यह पुस्तक मैं इस राजे नूं समर्पित करदा पिया, यह लिखना पएगा। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਬੋਲ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। किस तरह सुत्ता होया सी? धन गुरु ग्रंथ साहब दे बोल ने कि मनुख दी अखां दे विच बहुत गहरी नींद है, कन्नां दे विच बहुत गहरी नींद है, रसना च बहुत गहरी नींद है, मन दे विच बहुत गहरी नींद है। हुण आप जी ने कहना है अखां दे विच नींद इह तां असीं देखिया है, अनुभव कीता है, पर कन्नां दे विच नींद, इह गल समझ तों बाद। रसना दे विच नींद होवे गल समझण तों बाद। पर साहब कहंदे ने नैन हो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। कन्नां दे विच नींद है, किसी की निंदा सुन के सुनदियां सुनदियां सारा समा बतीत हो गया, एक कन्नां दे विच नींद है। अखां दे विच कैड़ी नींद है? कहन लगे पराए धन नूं परत्रे रूप नूं देखदियां देखदियां समा बतीत हो गया, ये अखां दे विच नींद है। रसना दे विच कैड़ी नींद है? कहन लगे रसना सोई मीठ है स्वाद लाग, मन भी सो गया। मन कित्थे सो गया? साहिब कहंदे ने मन सोया माया बिस्मात। हुण इह सारे दे सारे पहरेदार सौ गए ने, कन्न भी सौ गए ने, रसना भी सौ गई है, अखां भी सो गईआं ने, मन भी सो गया। कहिंदे ने जदों इस करन पहरेदार तो बगैर देख लिया, पहरेदार एक भी नहीं है, फिर लुटेरे आते ने, चोर आते ने, लुट के ले जाते हैं। तो साहब कहिंदे ने गुरु दे बोल सुनदियां, कीर्तन सुनदियां, कथा सुनदियां जदों जागृति पैदा हुई तो फिर इस अनमोल अमृत रस न मनुख ने धारण किया। निज घर महल पावो सुख सहजे, बहोर न होई गो फेरा। निज घर अक्सर की होंदा है, धर्म दी दुनिया दे विच दो शब्द ऐसे बोले जांदे ने, उसदा की माफ, जेड़े कि बिल्कुल गलत ने, बिल्कुल गलत। केड़े? पहला शब्द ये होंदा है कि मैं परमात्मा नूं लभ लिया जां मैं परमात्मा नूं लभदा पिया, अक्सर लोग कहते हैं। धार्मिक पुरुष कहते हैं पहला ये दस परमात्मा गवाचिया कदे जिसनू लभना है, तू तो गवाचिया कदे तेरे कोल बैठा हो जाए। फिर मनुख कहता मैं परमात्मा नू मिलना है, कहन लगी वो तेरे तो दूर कद होया है, दूर कद होया, क्योंकि मिलन उसनू कहते ने जो पहला दूर सी, अज मिलन होया। लभना उन्हों कहते ने जिहड़ा पहला गवांत गया सी हुण लभ लिया। ये दोवें शब्द गुस्ताखी माफ झूठे ने। तेरे अंदर ही तेरा साईं मौजूद बैठा है, तेरा साईं तुझ में जाग सकें तो जाग, तेरे अंदर ही बैठा है। आलम का कहना है दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जी चाह गर्दन झुकाई और देख ले, तेरे अंदर बैठा हुआ। निज घर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज करते दे चरणों में अरदास करते हैं और कहते हैं हे प्रभु, हे दिल दी जानन हार, विधि दे विधाता, सारे जगत दे दिल दी जानन वाले, मेरी एक अरदास, जदों तू सारे जगत की श्रद्धा पूरी की है मेरे ते भी रहमत कर, मेरे ते भी कृपा कर। की मंगते हैं
धन गुरु अर्जन देव साहब जी मंगदे पए ने, की मंग रहे ने कि हे प्रभु मेरी भी एक श्रद्धा पूरी कर। की चाहिए है? नानक दास एह सुख मांगे मौ को कर संतन की दूर है। आप जी ने पहला बच्ची जसमीत कौर तो शब्द सुनिया, सगल संतन पै वस्त एक मांगो। जितने भी नामी पुरुष ने, जितने भी संत पुरुष ने, मैं उन्होंने चरणों में एक अर्ज करा। केड़ी अर्ज? मौ को कर संतन की धूर है। आखिर विच मैं गल कह के समाप्ति ते आना। शेख शादी साहब जी कहते ने, हे प्राणी जे आद तो लैके अंत तक कादर दी ते कुदरत दी सच्चाई नू वेखना चाहुंदा है तो किसी संत पुरुष दे चरणा दी खाक नू सरमा बना अपने मत्थे ते लगा, अपने अखां नू लगा। जे आद ते अंत तक सच्चाई नू तू जानना चाहुंदा है तो गुरमुखां दी संगत कर। क्यों? क्योंकि वह आप तो निरंकार दे दर ते पहुँचे होंदे ने, वो तेरा भी निरंकार दे नाल मिलन करा देंगे। तो गुरु साहिब रहमतां करन, ये प्यार आप जी ने सारियां नू नसीब होवे। सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमुख प्यारे अमरजीत सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने संगतां दे दर्शन कराए। गुरु साहिब रहमतां करन, फुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।